أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم Class 9th کا lecture number ہے بیٹا 33 اس lecture کے اندر ہم نے chapter number 11 کی review exercise کو discuss کرنا ہے review exercise میں سب سے جو پہلا question ہے وہ ہے fill in the blanks کا سب سے پہلا وہ کہتا ہے کہ in a parallelogram opposite sides are वो कहते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा कनग्रेंट होती हैं क्या होती हैं बेटा कनग्रेंट ये बात हमने चैप्टर नंबर 11 जब स्टार्ट किया था तो उसके स्टार्ट में थ्योरम पढ़ा था कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कनग्रेंट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल आर कनग्रेंट तो बेटा ये उसी थ्योरम की स्टेटमेंट से उसने फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हुई है कि इन ना पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं कनग्रेंट होती हैं नेक्स्ट है बेटा इन ना पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा कनग्रेंट होते हैं थर्ड है बेटा डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट पैरेललोग्राम के जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं नेक्स्ट है बेटा मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट जो मीडियन है किसी भी ट्राइंगल के वो क्या होते हैं कनकरेंट होते हैं ये तमाम बातें हमने इस चैप्टर के जब थ्योरम डिस्कस किए थे थ्योरम के स्टेटमेंट को जब डिस्कस किया था वहां पर हम ये तमाम बातें पढ़ चुके हैं ये बात मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट ये बेटा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कनकरेंट में और कनकरेंट होने में क्या डिफरेंस है कनकरेंट होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल और कनकरेंट होता है कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो किसी भी ट्राइंगल के मीडियन होते हैं वो कनकरेंट होते हैं इट्स मीन वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं नेक्स्ट है बेटा डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इंटू डैश ट्राइंगल बेटा इंटू टू कनकरेंट ट्राइंगल जब भी हम किसी भी पैरेललोग्राम के डायगनल ड्रा करते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनती हैं और वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं कनग्रेंट ट्राइंगल्स होती हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू वो कहता है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है इसमें वो डिफरेंट चीजें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर पूछ रहा है कि मेजरमेंट ए बी मेजरमेंट बी सी किसके कनग्रेंट होगा मेजरमेंट एंगल वन किसके कनग्रेंट होगा और मेजरमेंट एंगल टू किसके कनग्रेंट होगा तो बेटा आपने याद रखना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स भी कनग्रेंट होती हैं अपोजिट एंगल भी कनग्रेंट होते हैं अब बेटा ये जो साइड ए बी है इसके अपोजिट साइड है डी सी इट्स मीन के जो मेजरमेंट ए बी होगा वो कनग्रेंट होगा डी सी के तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मेजरमेंट ए बी इज कनग्रेंट टू मेजरमेंट डी सी इसी तरीके से बेटा ये जो साइड बी सी है इसके अपोजिट साइड क्या है ए डी तो अपोजिट साइड्स कनग्रेंट तो इट्स मीन मेजरमेंट बी सी जो है वो कनग्रेंट होगा किसके बेटा मेजरमेंट ए डी इसी तरीके से बेटा एंगल अपोजिट एंगल भी कनग्रेंट है एंगल वन के अपोजिट एंगल है एंगल थ्री एंगल वन के अपोजिट एंगल क्या है बेटा एंगल थ्री तो मेजरमेंट एंगल वन कनग्रेंट होगा मेजरमेंट एंगल थ्री के जितना एंगल वन का होगा उतना ही एंगल थ्री होगा इसी तरीके से एंगल टू के अपोजिट एंगल क्या है एंगल फोर इट्स मीन के मेजरमेंट एंगल टू जो है वो कनग्रेंट है मेजरमेंट एंगल फोर के ये क्वेश्चन नंबर टू था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री को डिस्कस करते हैं वो कहते हैं फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर वो एक डायग्राम बना रहे हैं और वो कहते हैं कि इस डायग्राम के अंदर अननोन को फाइंड करना है सबसे पहली बात आपने ये डायग्राम देखी तो यहाँ पर इसकी साइड्स में ये साइन यूज हो रहे हैं ये वाले साइन जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये साइन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो कनग्रेंट हैं अगर हम देखें तो अपोजिट साइड कनग्रेंट तो हैं लेकिन उसके साथ साथ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स कनग्रेंट भी हों और पैरेलल भी हों तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटा पैरेललोग्राम क्या होती है बेटा पैरेललोग्राम तो इट्स मीन ये जो डायग्राम उसने बनाई हुई है ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स भी कनग्रेंट होती हैं अपोजिट एंगल भी कनग्रेंट होते हैं
तो हमने इन दोनों बातों को यूज करते हुए अननोन की वैल्यू को फाइंड करना है। अननोन कौन कौन सी वैल्यू है? एक्स, वाई, एम एंड एन। बेटा एन के अपोजिट एंगल क्या है? 75। तो इट्स मीन यहां से ये बात क्लियर हो गई कि मेजरमेंट एंगल एन जो है वो 75 डिग्री होगा। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद आप देखें, आप ये एन और जो एम है ये दोनों कंजेक्टिव एंगल हैं। ये दोनों कौन से एंगल हैं? कंजेक्टिव एंगल। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एंगल यहां पर बन रहा है और बेटा दूसरा एंगल ये बन रहा है। ये दोनों एंगल कंजेक्टिव एंगल हैं। ये दोनों एंगल क्या है बेटा? कंजेक्टिव एंगल। एंगल एम और एंगल एन जो है ये दोनों क्या है? कंजेक्टिव एंगल है। अगर ये दोनों एंगल कंजेक्टिव एंगल होंगे तो इट्स मीन ये सप्लीमेंट्री होंगे। इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। मैंने यहां पर लिखा है वी नो दैट एम एन एंड आर, एम एंड एन आर कंजेक्टिव एंगल एंड वी नो दैट कंजेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कि जो कंजेक्टिव एंगल है वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, कि उनका जो एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। सो मेजरमेंट एंगल एम प्लस मेजरमेंट एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एन की वैल्यू हम 75 यहां पर फाइंड कर चुके हैं। एन की जगह पर 75 पुट किया, मेजरमेंट एंगल एम इज इक्वल टू प्लस 75 की तरह अगर माइनस 75 हो गया, तो 180 में से 75 को माइनस किया, मेजरमेंट एंगल एम क्या आ गया? 105 डिग्री। एम को भी फाइंड कर लिया, एन को भी फाइंड कर लिया। अब देखें एम के जो अपोजिट एंगल है वो एक्स है। अगर एम 105 डिग्री होगा तो एक्स भी किसके इक्वल होगा? 105 डिग्री के। वो बात भी मैंने यहां पर लिख दी है। अब एंगल वाई के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल एन। एंगल एन के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल वाई। अगर वाई के अपोजिट एंगल एन की वैल्यू 75 थी तो इट्स मीन के जो वाई है वो भी क्या होगा बेटा? 75 डिग्री होगा। तो हमने एम की वैल्यू भी फाइंड कर ली, एन की वैल्यू भी फाइंड कर ली, एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली और वाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि ये एक डायग्राम उसने बनाई हुई है और वो कहता है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द अननोन या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एम। ये डायग्राम एक पैरेललोग्राम है। अगर ये डायग्राम पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल कंग्रेंट होंगे। वर्टिक्स ए पर बनने वाला जो एंगल है वो कंग्रेंट होगा वर्टिक्स सी पर बनने वाले एंगल के। मेजरमेंट एंगल ए इज कंग्रेंट टू मेजरमेंट एंगल सी। ए पर एंगल क्या है? 55 डिग्री। वर्टिक्स सी पर बनने वाला एंगल क्या है? 11x डिग्री। 55 डिग्री इज इक्वल टू 11x डिग्री। यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा? 11 पर डिवाइड करेंगे, 11 5 55, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी 5। इसी तरीके से अब हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल डी के अपोजिट एंगल वर्टिक्स बी पर दिया हुआ नहीं है, यहां पर गिवन नहीं है कि वर्टिक्स बी पर कौन सा एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम वर्टिक्स बी पर बनने वाले एंगल को फाइंड करेंगे कि वो एंगल क्या है। बेटा देखें ए और जो बी है वो कंजेक्टिव एंगल है। ए और बी क्या है? कंजेक्टिव एंगल है। इट्स मीन अगर ये एंगल कंजेक्टिव एंगल है तो इनका जो सम है वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यहां पर मैंने लिखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर कंजेक्टिव एंगल, सो दे आर सप्लीमेंट्री। इट्स मीन इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वर्टिक्स ए पर बनने वाला एंगल है 55 डिग्री। 55 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 इधर अगर माइनस 55 हो गया तो मेजरमेंट एंगल जो बी है वो आ गया 125 डिग्री। अब देखें डी के अपोजिट एंगल बी हमने फाइंड कर लिया, तो ये दोनों अपोजिट एंगल आपस में कंग्रेंट होंगे। तो 5m प्लस 10 डिग्री इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? 125 डिग्री के। प्लस 10 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस 10। 125 में से 10 को माइनस करेंगे 115। 5m इज इक्वल टू 115। m की वैल्यू के लिए 5 पर डिवाइड करेंगे तो जो m है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 23 डिग्री। तो हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली और ये x की वैल्यू हम यहाँ पर पहले ही फाइंड कर चुके थे। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे रिव्यू एक्सरसाइज के जो मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए इनको वो पेपर में MCQs बना के दे सकता है।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।